चलो साथ हम बात करेंगे फोटोफोन के ऊपर. फोटोफोन बेसिकली आपकी जो सेल फोन है उनकी एडवांस्ड फॉर्म है. सेल फोन के थ्रू तो सिर्फ आप अपने कॉलर की सिर्फ साउंड सुन सकते हैं, यानी आवाज सुन सकते हैं, ठीक है, या वॉइस कह लें, ठीक है. लेकिन इस केस में फोटोफोन के अंदर आप वॉइस यानी उसकी आवाज प्लस पिक्चर, प्लस पिक्चर और वीडियो, बल्कि हम पिक्चर के बजाय हम क्या बोलते हैं जी, पिक्चर वॉइस प्लस वीडियो भी देख सकते हैं. यानी इस केस के अंदर जो फोटोफोन या वीडियो फोन्स हैं उनके अंदर आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो आपकी तस्वीर देखेगा, आप उसकी तस्वीर देखेंगे और बल्कि वीडियो देखेंगे. आप एक दूसरे के जो गेस्टर्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, ठीक है, उनको भी आप नोट कर सकते हैं. तो ये एक कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत खुशाइंद बात है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो डेफिनेटली जिससे बात कर रहा है उसकी उसकी शक्ल भी देखे या उसकी वीडियो भी देखे, ठीक है. अब एक्चुअली ये कैसे पॉसिबल हुआ, देखें इसके अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आए, वो भी हम देखते हैं. सबसे पहली बात है कि जो हमने सेल फोन की बात की थी, सिंपल सेल फोन जिसमें आप सिर्फ वॉइस सुनते हैं, वो किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है कि एक जो है वो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, यानी जो आपका मोबाइल है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर है इसके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर ट्रांसमीटर भी है और आपके मोबाइल के अंदर रिसीवर भी है, ठीक है, ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है. इसी तरह जो आपका आप जिस बंदे को कॉल करें उसके पास भी ट्रांसमीटर और रिसीवर होगा. आप जो है अपनी साउंड वेव को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है, और रेडियो वेव्स जो है वो थ्रू प्रोसेस ट्रेवल करती हुई, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं. आप इंट्रोडक्शन टू सेल फोन पे जाएंगे तो आपको प्रोसेस समझ आएगा कि ट्रांसमीटर किस तरह से रेडियो साउंड वेव को रेडियो वेव में कन्वर्ट करता है. फिर वो आपके बेस स्टेशन पर जाती हैं, ठीक है, उसके बाद बेस स्टेशन के बाद वो आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे आएंगी और वहां से दोबारा जो आपका कॉल जिसको आपने जो आपका रिसीवर है उसके बेस स्टेशन पे जाएंगी और फिर आप उसके बेस स्टेशन से होते ही वो वेव्स उसके सेल पे जाएंगी, यानी वो रिसीव करेगा उन रेडियो वेव्स को, दोबारा साउंड वेव में कन्वर्ट करेगा. अब अगर आप देखें तो साउंड वेव में जो डाटा है वो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन फोटोफोन के अंदर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है. ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ये सबसे बड़ा चैलेंज है, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है. इसलिए आप देखते हैं कि आपके पास जो स्पीड्स होती हैं इंटरनेट की, अगर आप देखें, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास वो जो स्पीड्स होंगी वो यू नो केबी पर सेकेंड, ठीक है, यानी किलोबाइट पर किलोबाइट पर सॉरी यहां पे बी नहीं लिखा मैंने, केबी पर सेकेंड के लिहाज से होती हैं, ठीक है, मिलियन बाइट पर सेकेंड भी होती हैं, मिलियन बाइट पर सेकेंड के लिहाज से भी होती हैं. तो बेसिकली केबीएस, केबीपीएस या एमबीपीएस के लिहाज से होती हैं. अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जब आप ट्रांसफर करते हैं और आपने ये डाटा ट्रांसफर भी करना है और रिसीव भी करना है, चूंकि ह्यूज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर आपके पास जो है वो वॉइस भी मौजूद है और प्लस आपके पास वीडियो भी मौजूद है, ठीक है. अब ये वीडियो और वॉइस का डाटा आपने ट्रांसफर करना है, ठीक है. अब रेडियो सिग्नल्स की जो बैंडविड्थ होती है लिमिटेड होती है, ठीक है, रेडियो वेव्स में आप जानते हैं जो बैंडविड्थ है लिमिटेड है. बैंडविड्थ से पहले मैं यहां पे बैंडविड्थ को एक्सप्लेन कर दूं. बैंडविड्थ बेसिकली क्या है, बैंडविड्थ आप जानते हैं कि आप एक लेट सपोज अगर आपके पास एक सर्टन इमेज है, ठीक है, एक सर्टन इमेज है और आप एक स्मॉल सा डॉट जिसकी जो जिसका जो एरिया होगा वो आपका पॉइंट डेसिमल में यानी पॉइंट 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 जीरो वन इंचेस में या पॉइंट जीरो जीरो वन इंचेस में होगा, इस एरिया की जो इंफॉर्मेशन होती है, इस एरिया की जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको हम बेसिकली यू नो वन पिक्सल कह लें आप, ये बेसिकली हमारे पास वन बिट कह लें, चलें ये हमारे पास वन बिट कहलाता है, दिस इज वन बिट, ठीक है. अब जो आपके पास बैंडविड्थ है वो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं. फ्रीक्वेंसीज से मुराद कि डेफिनेटली जब आपकी सॉरी मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, अब डेफिनेटली जब आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ इमेज है, बिकॉज आप देखते हैं कि जो इमेज है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट है, जैसा कि हमने टेलीविजन के अंदर भी बात की कि बहुत सारे डॉट्स मिलकर आपस में इमेज बनाते हैं. अब ये जो आपके पास डॉट है ये बेसिकली एक इसको जब ये लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसके ऊपर हिट करेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एक रेडियो वेव के सिग्नल की तरह एक
सिग्नल के तौर पे, यानी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो बेसिकली जब बहुत सारे सिग्नल्स कन्वर्ट होंगे तो दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि बैंड विड्थ कहलाती है। तो आपकी जो बैंड विड्थ है वो केबी पर सेकंड में भी हो सकती है, आपकी जो है वो मिलियन बाइट पर सेकंड में भी हो सकती है, यानी आपने किलो बाइट पर सेकंड ट्रांसफर करने हैं या आपने मिलियन बाइट पर सेकंड के लिहाज से ट्रांसफर करने हैं, तब आपकी जो 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 वीडियो जो कॉल है, ये जो फोन फोटो फोन है, वो काम करने के काबिल हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो जो चैलेंजेस थे वो डेफिनेटली यही थे कि आपने बहुत ज्यादा डाटा पर सेकंड के लिहाज से ट्रांसफर करना था। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके पास, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग 3G नेटवर्क भी ले रहे हैं, जैसा कि अभी 3G पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका हुआ है, ठीक है, 3G नेटवर्क्स, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है कि आपके, जिसके थ्रू आपके फोटो फोन जो है, फोटो कॉल जो है, यानी वीडियो कॉल जो है वो पॉसिबल हो सकती है, पॉसिबल है, वो बेसिकली किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, वीडियो कंप्रेशन, वीडियो कंप्रेशन के प्रिंसिपल के पे काम करता है। आप बेसिकली क्या करेगा, वीडियो कंप्रेशन में क्या करेगा, वो आपके वीडियो की जो फाइल है, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है, उसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, अब कंप्रेशन के दौरान बेसिकली वो क्या करता है कि जो वीडियो की इंफॉर्मेशन होगी उसको एनकोड करेगा, ठीक है, एनकोड करेगा और एक कंप्रेस्ड फाइल के तौर पे उसको बना देगा। कंप्रेस्ड फाइल यानी जो मैनेजेबल साइज की होगी, यानी सिंपल, जो कि इजिली कैरी की जा सकती है। ठीक है, अब ये किस बेसिस के ऊपर एनकोड करता है, एनकोडिंग से यहां पे हमारा क्या मुराद है, देखें आपकी पिक्चर्स के ऊपर जो सिमिलर इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन है, उसको सिंगल कोड दे देगा। ठीक है, उसको सिंगल, यानी वो वन टाइम ट्रांसफर होगी, सिंगल कोड दे देगा। ठीक है, कोड से मुराद, ठीक है, क्या मतलब कि आपके पास लेट सपोज अगर यहां पे ब्लू कलर है जो कि 10 times आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सिंगल, वो बेसिकली एक टाइम उसको कोड करेगा, एक टाइम उसको जो है वो कैप्चर करेगा, और उसकी कोडिंग इस तरह से करेगा कि आप जब आपके रिसीवर पे जाएगी, रिसीवर उसको इस तरह से डिकोड करेगा, यानी डिकोड करेगा उस इंफॉर्मेशन को, इस तरह से रीड करेगा कि आपकी वो जो जो लेट सपोज ब्लू डॉट्स थे वो उसी जगह पे जो है वो आएंगे जहां पे वो उस पिक्चर के अंदर मौजूद थे। तो बेसिकली ये है इस तरह से आप वीडियो को कंप्रेस करते हैं। लेकिन वीडियो कंप्रेस करने से जो एक जो है नुकसान था वो ये था के क्वालिटी डैमेज, यानी वीडियो की जो क्वालिटी थी वो डैमेज हो गई। ठीक है, डैमेज हो रही थी, यानी आपकी जो इमेज थी वो ब्लर हो रही थी, बिकॉज ब्लर हो रही थी, उसकी क्वालिटी खराब हो रही थी, वो धुंधली सी हो रही थी। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक्चुअली हमारे पास दो टेक्निक्स थी जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, नंबर वन टेक्निक है जी, जिसको हम कहते हैं जी ब्लॉक बेस्ड कंप्रेशन। ये एक्चुअली ओल्ड वे है वीडियो को या जो वीडियो फाइल को कंप्रेस करने का। ठीक है, ब्लॉक बेस्ड कंप्रेशन, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि सारी जो वीडियो की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वीडियो एंड ऑडियो की जो इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, यानी जो डॉट डॉट्स होंगे वीडियो के, बेसिकली वीडियो या जो ऑडियो है बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स हैं। ठीक है, वो जो डॉट डॉट्स हैं उनको हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया, जिसको हम 1 pixel कहते हैं। ठीक है, आप वो जितने स्मॉलर साइज के लेंगे डेफिनेटली उतनी क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया कि ये पिक्सल जो है वो डेफिनेटली आपके इन द फॉर्म ऑफ यानी जो आपके ये जो डॉट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन इसके अंदर भी डेफिनेटली वही प्रॉब्लम थी कि डाटा तो उतना ही था। ठीक है, डाटा तो उतना ही था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, यानी जितने आपके डॉट्स हैं उतने ही आपके पिक्सल्स हैं। ठीक है, और पिक्सल्स को आप जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएंगी कि डाटा प्रॉपर तरीके से या क्विकली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकेंड मैथड है हमारे पास विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड कंप्रेशन। व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड कंप्रेशन? ऑब्जेक्ट बेस्ड कंप्रेशन में बेसिकली ये था कि जो आपके, देखें जब आपका इमेज ट्रांसफर किया जाता है, वीडियो ट्रांसफर किया जाता है, उसमें आपके पास वीडियो के स्टिल इमेजेस भी होते हैं, यानी स्टेशनरी या स्टिल, ठीक है, और मूविंग भी होते हैं। ठीक है, अब जो ब्लॉक बेस्ड कंप्रेशन थी उसमें जो पिक्सल्स अलॉट किए जाते थे वो स्टिल और मूविंग दोनों के लिए सिमिलर स्पेस यूज की जाती थी, यानी ऑडियो के लिए भी और वीडियो के लिए भी। ठीक है, और वीडियो के लिए जो स्टिल और मूविंग थे
वो दोनों के लिए सिमिलर स्पेस यूज की जाती थी। ऑब्जेक्ट बेस्ड कंप्रेशन ने क्या किया कि स्टिल जो इमेजेस हैं ठीक है उनके लिए डिफरेंट स्पेस यूज की और जो मूविंग है उनके लिए डिफरेंट स्पेस यूज की, और स्टिल इमेजेस के लिए उसने कम स्पेस अलॉट की ठीक है इंफॉर्मेशन को सेंड करते वक्त, जबकि मूविंग जो ऑब्जेक्ट थे उनके लिए उसने ज्यादा जो है वो स्पेस अलॉट की, जिसकी वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जो है कंप्रेस करने के लिए हमारे पास एनफ स्पेस थी, जिसकी वजह से हमने क्वालिटी ऑफ जो इमेज था ठीक है क्वालिटी ऑफ वीडियो जो थी उसको काफी हद तक हमने बेहतर किया ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो फोटो फोन है वो इस प्रिंसिपल के तहत काम करता है, और इसी वजह से आपके पास 3G एंड 4G नेटवर्क्स यानी जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे आप फोटो फोन या वीडियो कॉल जो है वो बड़े आराम से कर सकते हैं।